हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मजेदार सा सिंपल सा एक्टिविटी गेम लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपनी किसी भी थीम में इस गेम को करा सकते हैं। इस गेम की प्रिपरेशन भी फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। सिर्फ दो बैंगल्स, एक डाइस और टू स्लिप्स और कुछ टॉफीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, ये गेम आप अपनी किटी पार्टी, बच्चों की किड्स पार्टी, किसी में भी इस गेम को करा सकते हैं। सभी मेंबर्स इस गेम को लाइक करेंगे। फ्रेंड्स, गेम शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास आएगा एक बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दीजिए कि मेरे सबसे पहले न्यू और लेटेस्ट वीडियोस आप देख सकें। तो फिर जल्दी से गेम का डेमो देके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने टू बैंगल्स लिए, ये स्लिप्स को मैं जरा साइड से कर दूंगी। मैं आपको गेम खेलते में बताऊंगी कि स्लिप में मैंने क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक डाइस लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ टॉफीज लिए हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ टॉफीज लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको टू कलर्स की बैंगल्स लेनी है। आप कोई भी दो कलर की बैंगल्स ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो बैंगल्स लिए हैं, ब्लू और रेड। आप कोई भी टू कलर्स की बैंगल्स ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कैंडीज लिए हैं, टॉफीज लिए हैं। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट मेंबर आया, यहाँ पे मैंने दो स्लिप बनाई हुई है। ये फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मेंबर आया, उसने डाइस रोल किया, उसका आया फोर। तो फोर में आपको क्या करना है कि कोई भी वो फोर टॉफीज उठाएगा और वो किसी भी बैंगल में रख देगा। फ्रेंड्स, इस गेम को लास्ट तक देखना क्योंकि इस स्लिप में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, बहुत ही मजेदार। तो फिर नेक्स्ट उसने चला, उसका आया सिक्स। तो वो सिक्स टॉफीज किसी में भी एक में उठा के रखनी है उसे, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। फिर उसका आया फ्रेंड्स टू, तो वो टू इसमें रख देगा दो टॉफी। मैं यहां साइड से कर देती हूँ। फिर उसने डाइस रोल किया, उसका आया वन। तो उसने ये टॉफी यहाँ रख दी। फिर दोबारा से डाइस रोल किया, फिर वन आ गया। फिर उसने यहाँ रख दी। वो किसी भी बैंगल में रखेगा लेकिन उतने ही रखनी है। अब टू आ गया तो दो इसमें रख दी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप 30 सेकंड्स का टाइम रखिएगा। 30 सेकंड्स तक डाइस रोल करना है, उसके बाद उसको टॉफी रखनी है। तो अब हमने यहाँ पे टॉफीज रख दी है। अब मैं आपको स्लिप बताती हूँ जो कि मेरा ट्विस्ट था। उसके बाद क्या करना है आपको, होस्ट को ये दोनों स्लिप यहाँ रखनी है, एक स्लिप उससे ओपन करवानी है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो कलर की मैंने बैंगल्स ली थी उसी कलर की मैंने टॉफीज भी ली थी। तो जैसे मैंने रेड और ब्लू ही टॉफीज ली है और रेड और ब्लू ही मैंने बैंगल ली है। उसके बाद होस्ट को ये स्लिप और उससे कहनी है, जो मेंबर गेम प्ले कर रहा है, जब उसका टाइम स्टॉप हो जाएगा वो एक स्लिप उठाएगा। अब उसने स्लिप उठाई है तो इसमें लिख रहा है फ्रेंड सेम। आप देख सकते हैं सेम। तो सेम में हमें क्या करना है, इस कलर जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारी ब्लू कलर की बैंगल्स थी, तो ब्लू कलर में हमारी टू टॉफीज थी सेम कलर की, तो टू हमारे इसमें हो गए। और इसमें हमारी थी रेड कलर की बैंगल्स, तो रेड कलर की टॉफीज हम इसमें काउंट करेंगे। ग्रीन में हटा देती हूँ ब्लू। रेड थी इसमें मेरी थ्री, तो यहाँ पे मेरी थ्री प्लस टू फोर पॉइंट्स, फाइव पॉइंट्स हो गए हैं। अब दूसरी स्लिप थी फ्रेंड्स मेरी नॉट सेम की। अगर नॉट सेम की आती तो मुझे क्या करना था, ब्लू में मैं रेड वाली काउंट करती, सेम कलर की काउंट नहीं करनी थी, ब्लू में रेड वाली और रेड में ब्लू वाली। अगर आपकी नॉट सेम की स्लिप आती तो दोनों की काउंट करके टोटल करते और फिर जिस मेंबर का सबसे ज्यादा टोटल होगा वो गेम का विनर होगा। तो यहाँ पे मेरे नाम के आगे फाइव पॉइंट्स लिख दिए जाएंगे क्योंकि मेरी सेम निकली थी, तो मैंने सेम कलर्स की दोनों बैंगल्स की टॉफीज काउंट करी थी। अगर आपकी नॉट सेम निकलेगी तो आप नॉट सेम वाली टॉफीज काउंट करनी है लेकिन दोनों बैंगल्स की काउंट करनी है। फ्रेंड्स, जिस मेंबर का स्कोर सबसे ज्यादा हो जाएगा वो गेम का विनर होगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिस कलर की आप बैंगल्स लें उसी कलर की आप टॉफीज लें। तो गेम को खेलने में बहुत मजा आता है फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको मेरा गेम कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।